अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं, कौरवों पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप भी वहां मौजूद हों, या फिर कुछ उस तरह जैसा फिल्म लव स्टोरी 2050 में हुआ। प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बरमूडा ट्रायंगल को दूसरे टाइम जोन में जाने का जरिया ही माना जाता है, यानी कि एक रहस्यमय टाइम मशीन जहां पर जाते ही वो अपनी ओर खींचकर आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बरमूडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियन के लिए एक पोर्टल है। इस बरमूडा ट्रायंगल को समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी हैं, जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आया है। ये बरमूडा ट्रायंगल का इलाका जहां पर कई शिप, कई फाइटर प्लेन एक झटके में गायब हो जाते हैं, खोजने पर भी नहीं मिलते। ये इलाके अपने आकार को बदलते रहते हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील हो जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील, और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे अपनी ओर खींच लेती है। इस दौरान बरमूडा ट्रायंगल एक टाइम जोन के मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज बरमूडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। और इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो उसके दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं, यानी दूसरा छोर है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 दिसंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा था। दोस्तों, बरमूडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जलसेना के अधिकारियों के हवाले ये भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है, इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र से बाहर भी महसूस किया जा सकता है। तो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर शक्ति रखते हैं, और इनके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वो कभी नहीं मिलते। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने साफ साफ कहा है कि एलियन की साजिश है, ये एक रास्ता है जिससे एलियन आते हैं और पृथ्वी का निरीक्षण करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एलियन के लिए सुरक्षित है क्योंकि इस इलाके में एलियन देखे जा चुके हैं। लेकिन ये इलाके मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है और वहाँ जाते ही मनुष्य किसी दूसरे ग्रह में चले जाते हैं। प्रकृति अभी भी बरमूडा ट्रायंगल जैसी कई रहस्यों को अभी भी अपने अंदर समेटे हुए है और ना जाने कई लोगों ने इस बरमूडा ट्रायंगल में अपनी जान गंवा दी है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जारी रखें। धन्यवाद।